खरगोन जिले में बुधवार को राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर सराफा में पटाखे फोड़कर जश्न मनाने के दौरान पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस मारपीट और बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों से मारपीट के विरोध में हिंदू समाज और व्यापारी सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान SDM और SDOP पर कार्यवाही की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रख रैली निकालकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि राम मंदिर में भूमि पूजन जश्न मनाने के दौरान पुलिस ने सराफा में मारपीट बुधवार को कर दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर पुलिस के खिलाफ वीडियो वायरल करने और खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल के द्वारा घटना की निंदा करा के CM शिवराज सिंह चौहान से दोषियों पर कार्यवाही की मांग के बाद लोग सड़कों पर उतर गए। सकल हिंदू समाज का कहना था कि राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न खुशी मनाने वालों पर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की गई। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोग खुशी मना रहे हैं और खरगोन में पुलिस मारपीट कर रही है। दोषियों पर कार्यवाही होने चाहिए। असामाजिक तत्वों ने बीती रात अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों को मारपीट की और कार में आग देने की घटना की है। SDM और SDOP दोनों दोषी हैं। दोनों पर कार्यवाही होना चाहिए। खरगोन से संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये सारे लोग आए हैं, ये सकल हिंदू समाज है, व्यापारी है, कोई छात्र है, कोई किसान है, आपके सामने आए हैं, कोई पुजारी है। पूरे देश में, पूरी दुनिया 5 अगस्त को भारत में नजर थी। अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, पूरा देश जश्न मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारे लिए दीपावली का त्यौहार है। व्यापारी अपने अपने स्तर पे, अपने प्रतिष्ठान पे दीपक लगा के अपनी खुशियां मना रहे थे। वही SDOP साहब ने आकर व्यापारियों को दुकान के अंदर से निकाल के मारा, पूरे बाजार में बेइज्जत किया। महिलाओं को 8 साल की बच्ची को गाली दी। ये कौन सा तरीका है? उसके बाद SDOP साहब ये कहते हैं हमको कि हम हमारा पावर दिखाएं, तो हम लोगों के पावर देखिए, ये शब्द है उन लोगों के। ACM साहब के सामने हुआ है, मुस्लिमों के जो त्यौहार आते हैं वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है उसी वक्त इस टाइप की घटनाएं होती है। और हर बार हम लोग ज्ञापन ही देते हैं, तो सर हम क्या ज्ञापन ही दें? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशासन की हमारी ये कार्रवाई है कि पूरा देश कल माननीय प्रधानमंत्री जी 500 वर्षों का जो हमारा संघर्ष था हिंदू समाज का श्री राम जी के मंदिर को लेकर, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था। पूरा देश कल अपने अपने घरों पर, दुकानों पर मिठाइयाँ बांट रहा था, दीपक लगा रहा था, पटाखे फोड़ रहा था। खरगोन में भी कल यही हो रहा था। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के सामने खुशियाँ मना रहे थे। पुलिस प्रशासन के SDOP साहब और SDM साहब आए और व्यापारियों को बर्बरता तरीके से मारा, प्रतिष्ठान से निकाल के मारा। यह पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी है व्यापारियों को, और महिलाओं के साथ भी गाली गलौज और अभद्रता की है। और पुलिस के द्वारा कल ये बताया गया कि हम हमारे पावर का उपयोग देते हैं। दूसरा, इसका परिणाम यह हुआ कि असामाजिक तत्व द्वारा कल रात को 7-8 स्थानों पर हिंदू समाज के लोगों को मारा गया, कारें जलाई गई, दूसरे धर्म के लोगों ने कार जला दी और आप जनी शहर में ये घटना की है। इसी के उपलक्ष में सकल हिंदू समाज, सारे व्यापारी, किसान, छात्र, सारे लोगों ने आज अपना प्रतिष्ठान बंद किया है। सारे लोग इकट्ठा होकर प्रशासन के सामने यही मांग कर रहे हैं कि कल रात को घटना करने वाले आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए और कल SDM और SDO पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग किया है, इस बात का हिंदू समाज विरोध कर रहा है। कल राम जन्मभूमि को लेकर बाद में आज बंद भी करा, आह्वान आज SDM और SDP को हटाने की मांग भी की है पूरा खरगोन शहर में। पहले तो पूरे देश भर में खुशी का वातावरण
है इस बात को लेकर कि राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कल था और लाखों कार सेवकों के मन की इच्छा और हजारों करोड़ों देशभक्तों की इच्छा के अनुसार राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ और कहीं ना कहीं खुशी का इजहार व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुरूप भी करता है और मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में कहीं ना कहीं दीपोत्सव की तरह ये उत्सव मनाया गया। फिर भी कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा देश चिंतित भी है और उस पर कहीं ना कहीं कानूनी अमल का दामन भी पहना हुआ है। फिर भी लोगों की मन की भावनाएं थी, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि भाई अपने जितने भी शासकीय मंदिर है वहाँ पर दीपों का उत्सव होना चाहिए, वहाँ पर रामायण का पाठ होना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको काम करने का निर्णय भी लिया था, परंतु दुर्भाग्य से खरगोन की भी हमारे देशभक्त लोग इस बात का खुशी का इजहार कर रहे थे, परंतु एक ऐसी घटना जिसके बारे में कहना हमें भी ठीक नहीं है क्योंकि यह देश भी राम का है और हम सब भी राम के हैं, परंतु जो निर्णय न्यायपालिका ने दिया उस निर्णय के अनुरूप काम करने के लिए जनता भी काम कर रही है। पर हमारी खुशी का इजहार फटाके फोड़कर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पुलिस के एक उच्च अधिकारी द्वारा जो घटना दुर्घटना कल की गई उसके कारण से पूरा नगर का वातावरण कहीं ना कहीं दूषित हुआ है और निश्चित तौर पर उसका आक्रोश आज भी खरगोन में व्यापारी संघ द्वारा और व्यापारियों के द्वारा बंद भी किया गया और उन्होंने कलेक्टर को उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन भी दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें जांच में जो भी अधिकारी इसमें पाए जाएंगे उस पर उचित कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी कार्रवाई को लेकर गंभीर भी है। मैंने पूरे उच्च अधिकारियों से बात भी करी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी मैंने अवगत कराया है, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी को भी इस परिस्थिति से अवगत कराया है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निर्णय होगा और इस प्रकार की घटना खरगोन में न घटे इस पर कहीं कहीं कानूनी अमलाजामा पहनाया जाएगा। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया। निश्चित तौर पर मैं इस बात को जानता हूँ कि ये सरकार है जो देश को चलाने वाली सरकार है और देशभक्तों की सरकार है और कोड के अनुरूप चलने वाली हम सब लोग हैं और निश्चित तौर पर जो कल की घटना घटी है जिस के माध्यम से घटी वो वास्तव में दुखद घटना है, उस बात का हमें दुख भी है और निश्चित तौर पर उसको लेकर मैंने जहाँ पर बात करी इसलिए मैंने भी उसको ट्वीट के माध्यम से मेरी भावनाओं को रखा है क्योंकि मैं भी जनता का जनप्रतिनिधि हूं और सरकार के अनुरूप काम करने की मेरी भी इच्छा है और मैं जनता की इच्छा को हमारी सरकार में रख पाएँ और उस पर कुछ न कुछ न्याय करा पाएँ, ये हम सब की भूमिका है। इसलिए मैंने अपने माध्यम से मेरे आईडी से ट्वीट भी किया है। निश्चित तौर पर सरकार भी गंभीर और कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपके सामने कहीं के मिलेगा और मैं जनता के साथ में हूँ, जनता के अनुरूप कुछ न कुछ अच्छा निर्णय होगा। आज जो पूरे विश्व में राम जन्मभूमि लला की जो पूजन किया गया, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सबको ये संदेश दिया कि आप घर घर दीपक लगाएं, दिवाली मनाएं, खुशियां मनाएं, उन्हीं का आदेश का पालन करते हुए पूरे नगर में हमने मंदिरों में अपने घरों में दीपक जलाए, खुशियां मनाई। उसी के उपरांत कल रात्रि को 9 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे दीपक लगाने वाले भाइयों के ऊपर हिंदू सकल के ऊपर आक्रमण किया, पुजारियों के ऊपर आक्रमण किया, आघात किया। हमने आज पुजारी संघ और पूरे विश्व सकल हिंदू संघ के माध्यम से सारे संगठनों का सहयोग लेकर आज नगर को बंद रखा, नगर बंद का आह्वान किया और आदरणीय माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि होने वाले अत्याचार जो एडीएम जो पुलिस वाले हर घर में करते हैं, हमारे भाइयों को मारते हैं, किसने अधिकार दिया? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दीपक लगाओ पटाखे फोड़ो तो पुलिस कर्मचारी हमारे भाइयों पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं। हमने हमारी मांग रखी है इन सबको सस्पेंड किया जाए और जिन्होंने आघात हमला किया उनको गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाए। आपने विरोध में बाजार भी बंद रखा, आज हमने पूरा नगर बंद रखा, सारे प्रतिष्ठानों ने बंद रखा है। पुजारी जगदीप ठक्कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।